प्लास्टिक के कण अब हमारी नसों तक पहुंचने लगे हैं। प्लास्टिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के जनरल प्लांट 1 में छपी स्टडी में पहली बार नसों में प्लास्टिक का पता लगा है। इसका खुलासा एक मरीज के दिल की बाईपास सर्जरी के दौरान हुआ, जब उनके टेस्ट ट्यूब में माइक्रोप्लास्टिक की काफी मात्रा देखी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉल और हॉल यॉर्क मेडिकल स्कूल में इस मामले को देखते हुए जॉइंट स्टडी की और पाया कि ऐसे लगभग सभी के साथ है। नसों में मिल रहे ये सभी पार्टिकल्स अल्कैड्रोल और पॉलीविनाइल एसीटेट के थे। ये वो चीजें हैं जो पेड़, कपड़ों और पैकेजिंग के सामान में काम आती है। शोधकर्ताओं ने हैरानी जताते हुए कहा है कि पिछले साल की स्टडी में पता लगा था कि खून में माइक्रोप्लास्टिक पहुंचने लगा है, लेकिन तब भी ये नहीं लग रहा था कि ये नसों तक पहुंच सकता है। नसों में पहुंचने के जरिए को लेकर भी एक्सपर्ट्स अभी निश्चित नहीं है। पिछले साल अप्रैल में एक स्टडी में खून में प्लास्टिक होने की बात पता लगी थी। वैज्ञानिकों ने अभी जांच के दौरान पाया कि ये छोटे छोटे पॉलिकल्स 80% लोगों के थे। एनवायरमेंट इंटरनेशनल जर्नल में छपी स्टडी में 22 लोगों के ब्लड सैंपल की जांच की गई, जिसमें लगभग सभी के खून में माइक्रोप्लास्टिक था। तभी एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि ये जल्द ही खून से होते हुए अंगों तक पहुंचकर कोई भी गंभीर स्थिति ला सकता है। फिलहाल ये ठीक से पता नहीं लग सका है कि प्लास्टिक के चलते शरीर के भीतर क्या बदलाव होती है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेसिंग धीमी पड़ती है। साथ ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी जरूरत से ज्यादा हो जाता है। इससे शरीर की कोशिकाएं खुद को ही दुश्मन मानकर लड़कर खत्म हो जाती है।